170 केजी होल्ड करने से क्या होगा, हमारी जो बॉडी है जितनी भी मसल्स बेंच में एंगेज होती हैं, किसी भी एक्सरसाइज में एंगेज होती है, अगर हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट जो हम रैप निकाल सकते हैं जिसके, उसको अगर हम होल्ड करते हैं तो हमारी बॉडी उस वेट के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि आगे चल के हमें मदद होती है इस चीज़ की कि हम और ज़्यादा वेट और जल्दी लिफ्ट कर पाएँ। तो 170 केजी बेंच के ऊपर आज हम होल्ड करके देखेंगे भाई का 160 आराम से होल्ड हो गया है। 10 सेकंड तक कोशिश करेंगे 170 होल्ड करने की। चल यारे अच्छा चेस्ट प्रेस के पैर हल्ले गाओगे जिस तरह की यहीं के यहीं हम उसको उठा सके, क्योंकि अगर हम बाहर लेके आएंगे तो अनसेफ हो जाएगा क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है। यहीं पर उठा आगे आ जाओ, पर हमको यहाँ से रेस्टिंग पॉइंट से ऊपर ले जाना दोनों साइड से। चलो स्टार्ट हुआ, वेरी गुड। ये देख सकते हो आप, इधर दिखाओ, यहाँ पे और यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 वेरी गुड। वापस से हम उठाएंगे 5 सेकंड के लिए, चल उठाए इसको 1, 2, 3, 4, 5 डाउन, वेरी गुड। 5 सेकंड का रेस्ट लेंगे उसके बाद फिर से 5 सेकंड के लिए उठाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 अप इजी 1, 2, 3, 4, 5 वेरी गुड। 4 सेकंड के लिए उठाएंगे 5 सेकंड का रेस्ट लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 चल 4 सेकंड के लिए उठा, चल 4, 3, 2, 1 रख दे 3 सेकंड के लिए उठाएंगे 4 सेकंड का रेस्ट लेके 1, 2, 3, 4 चल 3 चल 3 3, 2, 1 रख वेट को चल 2 सेकंड के लिए उठा दे लास्ट चाहिए या मैक्सिमम जितनी देर से उठ सके 3 सेकंड के लिए कोई दिक्कत ना, चल उठा ले इसको चल 3-4 सेकंड के लिए चल उठा बहुत बढ़िया 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है चल हो गया।